सीट बेल्ट लगी दिखने से भाई तो बढ़िया चल रही मेरी, ठीक है। और बीच में डायलॉग चल रही है। आज हम चला रहे हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो कि फेसलिफ्ट है, नया वाला वेरिएंट चला रहे हैं और ये टॉप एंड मॉडल है। टॉप एंड का ZXi ZXi प्लस है, ZXi प्लस चला रहे हैं हम। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फीचर्स, स्क्रीन देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़े साइज है और टच रिस्पॉन्स वगैरह आपको यहाँ पे वाले इसमें डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। काफी ज्यादा बड़े साइज की है तो उसकी यार मतलब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह बढ़िया ही होने वाली है। सेंटर में आपको क्लस्टर की बात करूँ तो यार पहले गाड़ी की बात बाद में करें, कैसी चल रही है पहले क्लस्टर बता देता हूँ। क्लस्टर आपको यहाँ पे टैकोमीटर प्रोवाइड कर देता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे वैली है इसके कंट्रोल्स वगैरह देखने मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह। और एक बार इसको यहाँ से निकालते हैं तो चलने में बात करते हैं, चलने में वैल काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे चल रही है। अगर पर्सनली अगर मैं बात करूँ, छोटी गाड़ी है और इंजन भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, तो इसकी जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होने वाली है पूरा मज़ा देगी आपको यहाँ पे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड काफ़ी ज़्यादा जल्दी पकड़ेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे और काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन यार ऐसा नहीं लग रहा कि कम यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं उसको कि देर से पकड़ दिए इसमें, मतलब देर से इसमें याद हो आ रहा है क्या ना क्या कहते हैं उसको मतलब देर से गियर वगैरह चेंज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो रिस्पॉन्सिवनेस इसका जो गियर बॉक्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वेल तो एक बार छोटी सी एक्सेलरेशन कर के आगे चल के ब्रेकिंग की बात यार दोबारा करो, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे इसको मैनेज किया गया। हालांकि फ्रंट में ही मिलते सी तो डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे, लेकिन आपको शायद पता हो या ना पता हो जो ब्रेकिंग होती है आगे वाले पे, मतलब आगे जो ब्रेक्स होते हैं उसी पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है ब्रेक्स को, क्योंकि जो लोड पड़ता है जब गाड़ी ब्रेक करती है तो आगे ज़्यादा वेट जाता है, तो उसकी वजह से आगे ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए आगे वाले व्हील्स की। तो अभी यार एक्सेलरेशन करके देखते हैं, एक बार 0 to 100 तो हो नहीं पाएगा, 0 to 60 करते हैं। तो ये लो जी ऑटोमेटिक 5000 RPM पे गई है, इतनी ज़्यादा लंबी दौड़ है नहीं लेकिन हाँ 60 पे पहुँच गई थी फटाफट। वेल एक्सेलरेशन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी यार, 60 पे फटाफट पहुँच गई थी। तो यार कंट्रोल्स वगैरह सारे पास में ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ रहा है मेरे को, ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक वाइज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पे आपको यह भी मिल जाता है मैनुअल डिमिंग, ऊपर आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि यार आपको कहीं वो रखने पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, दूर दूर आपको जाना पड़ रहा है कि भाई अपने पैसेंजर को बोलना पड़ रहा है कि भाई ये टिकट निकाल के दे, टोल वगैरह आ गया, ऐसा कुछ नहीं है अपने पास रख सकते हैं आप। और स्पेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाड़ी में, दो कप होल्डर मिल जाते हैं नीचे आपको यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है स्टीयरिंग व्हील की फील भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ग्लोस ब्लैक है, लेदर रैप्ड है। वेल जो क्वालिटी होती है मारुति की, वेल इंटीरियर के हिसाब से आपको यहाँ पे डिसेंट देखने को मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको यहाँ पे गाड़ी मिलेगी। और टॉप एंड मॉडल तो वैसे ही है तो फीचर तो भर भर के हैं। और यार वो तो क्या है, विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, विजिबिलिटी भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो यहाँ पे ORMs होने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े साइज़ के होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे दे दिए, अपना काम बखूबी निभाने वाले हैं ये। तो यार अभी देख सकते हो स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकड़ दी है, एक्सेलरेशन तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि गाड़ी का साइज़ छोटा है और इंजन बड़ा है, तो उसकी वजह से जो गाड़ी भगती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। वेल पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल के आती है क्योंकि अगर आप पूरा पंजा दबा भी देते हो तो ऐसा नहीं है कि कम RPM पे आके मतलब कम RPM पे ही गियर चेंज कर ले, ऐसा नहीं है, इंजन का मतलब जो गियर बॉक्स वगैरह है आपको पूरी पावर निकाल के देता है।